For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. स्टॉपलेस के शो नजर की स्टोरी लाइन में इस समय दर्शकों को मजे कमा रहे हैं और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले हमने शो के अंदर सिर्फ और सिर्फ अंश पिया की कहानी देखी थी, लेकिन उसके बाद मयंक और तारा की कहानी ने दर्शकों के दिल में दिलचस्पी को और बढ़ा दिया। और फिर अचानक से मयंक और तारा शो से गायब हो गए और शादी हो गई नमन और सनम की, सनम जो सडनली दिलरुबा बन गई। अब दोस्तों, जब दिलरुबा आ चुकी है नमन की जिंदगी में, हो चुकी है दिलरुबा की नमन से शादी, तो कुछ ना कुछ अटपटा तो होना ही था। नमन पहले तो ये सच जानकर कि दिलरुबा चुड़ैल ही सनम है काफी घबरा गया, लेकिन इसके बाद आज रात के एपिसोड को देखकर आपको पता चलेगा कि कैसे सनम और नमन की एक मीटिंग होगी, एक डेट होगी, जहां से वापस लौटने के बाद नमन पूरी तरह से सनम का हो चुका होगा, दिलरुबा चुड़ैल को अपना दिल दे बैठेगा नमन, और फिर हमें देखने को मिलेगा एक नया ड्रामा। सावधी और अपनी माँ दोनों पर ही नमन चढ़ जाएगा और कह देगा कि मेरी बीवी के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते हैं। अब क्या आप जानते हैं कि ये सब कुछ करने के पीछे दिलरुबा का मकसद क्या है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिलरुबा का मकसद कुछ ऐसा है जिसके लिए उसे नमन की बहुत जरूरत है, यानी कि उसके पति की। जब उसका पति उसका साथ देगा, तभी वो उन चीजों को पा पाएगी, यानी कि उन शक्तियों को पा पाएगी जिनके लिए उसने नमन से शादी रचाई है। दिलरुबा अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए किस हद तक जाएगी? क्या नमन की बुद्धि में थोड़ी सी अकल और आएगी? ये सब कुछ जानने के लिए इंतजार कीजिए नेक्स्ट अपडेट का। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज।